फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही कामगार, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जो वॉशिंग मशीन या कूलर की मोटर या फिर इसके अलावा कोई भी मोटर में हम ज्वाइंटलेस कॉइल कैसे डालेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो आधा एचपी है या फिर कोई भी मोटर है जिसमें हम ज्वाइंटलेस कॉइल डालना चाहते हैं, तो उसमें हम कैसे डालेंगे और क्या तरीका होता है, कौन सा सिरा कहाँ पर रखना होता है, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। और इसमें चार कॉइल मैं आपको डालकर बताऊंगा किस तरीके से हमको ये डालनी होती है। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुँच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको ज्वाइंटलेस कॉइल डालकर दिखा रहे हैं। स्पिन की मोटर है हमारे पास और इसमें ज्वाइंटलेस कॉइल कैसे डाल सकते हैं, आप यहाँ देखें। फर्स्ट में ये कॉइल इस तरीके से डाल देंगे। अब जो पहला सिरा इधर आ रहा है और अगला आगे आ रहा है घूम के कॉइल के नीचे, आप देख रहे होंगे, और आगे मैं आपको और अच्छे से दिखाऊँगा। एक बार हम थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक वायर नीचे से आ रहा है, वो कॉइल में जुड़ा हुआ है, और दूसरा वायर इधर आ रहा है जिसमें ये बंधा हुआ है, ये वाला, ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये इस वायर को हम खोल देंगे। और अब हमने जैसे एक कॉइल डाली है तो इसके दो राउंड और डालने हैं। तो ये सिरा इसका हो गया, एक नीचे आ रहा है जो कॉइल में से घूम के आ रहा है, तो इसको हम दो बार डाल देंगे, एक राउंड और दो राउंड। फर्स्ट जो दो से एक से चार में है उसमें एक राउंड है, और एक से छः में है जो, वो आपकी दो राउंड है। तो इस तरीके से पेपर लगा दीजिए। तो कॉइल को आप अपने हिसाब से बनाएं। अगर आपको वाइंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो कॉइल थोड़ी सी लंबी बनाएं। अगर आप परफेक्ट हैं तो बिल्कुल फिक्स बनाएं। अगर मतलब आप परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा लूज बनाएं, उससे डालने में आपको आसानी रहेगी। तो यह इसका दूसरा सिरा है जो कॉइल में जुड़ा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला। इसको इस तरीके से घुमा के देखना है आप, और कनेक्शन एक से तीन में आएगा, फर्स्ट सिरा उधर है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब कॉइल का एक सिरा है जो दूसरा वाला जुड़ा हुआ है, जो इसमें इधर इधर की तरफ आ जाएगा। तो एक दो तीन कनेक्शन हो गया इसका, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। तो इसी तरीके से हम अगली कॉइल भी डालेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा चार कॉइल डालकर इसमें ज्वाइंटलेस कैसे डालेंगे। वीडियो आप चाहे तो धीरे करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी वीडियो है और आप इसको समझ लें, तो यहाँ पर आप देखें, एक दो तीन, एक से तीन में एक कनेक्शन आता है इसका। हमारी जो भी ऐसी मोटर होती है 1440 RPM की, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, इस तरीके से दो राउंड लगाएंगे और पेपर लगा देंगे। दो कॉइल हमारी डल चुकी हैं, अब तीसरी कॉइल हम डालेंगे, उसको भी सेम इसी तरीके से डालेंगे। आप यहाँ देखें, मैंने बिल्कुल फिक्स कॉइल बनाई है इसकी। अगर आपको अच्छी वाइंडिंग आती है तो फिक्स बना सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग में आपका हाथ धीरे चलता है तो थोड़ी सी कॉइल बड़ी बनाएं। आप यहाँ देखें, यहाँ पर अब देखें, अब इसका सिरा इसके एक दो तीन मतलब तार हैं उसके हिसाब से ही आएगा। जैसे एक ये हो गया, एक इस कॉइल का अगला तार हो गया, एक इसके आगे जो ये तार आएगा वो माना जाएगा। तो आप ध्यान देखें, ये वाला वायर है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला। तो आपको कॉइल को इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से गिनेंगे तो हम यहाँ से गिनेंगे तो भी एक दो तीन का कनेक्शन ये हो जाएगा, जिस तरीके से हम करते हैं कनेक्शन। ये आपने डाल दी, तो इसका ये दूसरा जो कॉइल से जुड़ा हुआ सिरा है आगे की तरफ आ रहा है, और जो पहली कॉइल थी जो डल चुकी है उसका सिरा है तो इधर की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देखें, ये तार आगे आ गया जो जुड़ा हुआ है, और इसके भी हम दो राउंड इसी तरीके से डाल देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको डाल देंगे, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। और ये इसका लास्ट का सिरा है, आप यहाँ देखें, इसके मैं अभी इसको डाल देता हूँ, और फिर चौथी कॉइल भी मैं आपको डाल कर बताऊँगा। जैसे आप डालते हैं तो आप समझिए, जैसे एक साइड डालेंगे तो ये समझिए कि आप कनेक्शन हाथ के हाथ करके चल रहे हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सिरा कहाँ पर रखना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ देख सकते हैं आप, एक दो तीन कनेक्शन हो रहे हैं सारे, और एक दो तीन ही आने चाहिए। अगर एक से चार दो आगे
तो दिक्कत है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये आगे आ रहा है सिरा, तो इस कॉइल का बिल्कुल आगे जाएगा, आप यहाँ देखें इस तरीके से, तो हमें ये इसके साथ इस तरीके से मिलाना होगा। आप यहाँ देखें इस तरीके से ये घूम कर जाएगा यूँ, आप यहाँ देखें इस तरीके से, फिर जो दूसरा सिरा है वो अपने आप उधर की तरफ आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने ये डाल दिए हैं और इसके सिरे भी अलग अलग आ गए हैं। अभी आप देखें ये वाला सिरा यहाँ आ गया और नीचे वाला घूम के चला गया, और इसके आगे ये एक जो कनेक्शन के दो सिरे आए हैं ये भी एक एक से तीन में आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, और जॉइंट लेस कॉइल आप इस तरीके से डाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम जॉइंट लेस कॉइल ऊपर की डालेंगे जैसे मैंने नीचे की बताई हैं। अगर मैं कंप्लीट वीडियो मतलब वाइंडिंग करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये भी मैंने काफ़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है लोग वक्त देखते नहीं हैं। और मैंने जो जानकारी आपको देनी थी वो सिर्फ ये थी कि जॉइंट लेस कॉइल हम कैसे डालेंगे, और अगर आपको जॉइंट लेस कॉइल डालने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी हम उसको सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी एक से तीन में आ रहा है, और ये सारे कनेक्शन हैं, ये देखें ये वाला, और एक दो तीन, एक दो तीन, और एक दो तीन, और ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से हम इसमें जॉइंट लेस कॉइल डाल सकते हैं। दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि आपके जॉइंट का जो कनेक्शन होता है उसका टाइम भी बचता है, सिले वगैरह बचती है, इसके अलावा इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।